तो एक केस था, शायद उदयपुर का केस था, आई थिंक, पता नहीं कहाँ, शायद उदयपुर का था केस। बताता हूँ वो क्या हुआ है। तीन चार लड़कियाँ, उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, उनको हॉस्पिटल में डाला। हॉस्पिटल वालों ने पहले तो चेकअप किया, चेकअप करने के बाद बताया कि भैया आपकी मम्मी को कोरोना है, कोरोना पॉजिटिव है, आप जाओ आप वैक्सीन खरीद के लेके आओ। तब वैक्सीन इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं थी, उन्हें बोला 7 डोज लगेंगी, ऐसे सुनने में आया। फिर 7 डोज उन्होंने 1,00,000 रुपए की 7 डोज खरीदी है और लाके भी दी, बोले कि लगाओ, समझ रहे हो, बाहर से खरीदी लाके दी, बोले लगाओ। वो डॉक्टर कहते रहे कि हम लगा भी रहे हैं, और रात तक मम्मी की तबीयत ठीक भी थी, लेकिन जैसे वो सुबह आए दोपहर तक मिलने नहीं दिया, फिर उसके बाद बोलते आपकी मम्मी की डेथ हो गई है। एंड दे वर लाइक क्राइंग, मतलब सभी, ये कैसे हो सकता है, मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल। सो मम्मी की डेथ हो गई है, रात तक ठीक थे, डोजेस भी लाके दी। अब देखो सबसे दुख की बात ये थी कि जब डेथ सर्टिफिकेट आया, डेथ की रिपोर्ट बनानी होती कि कोई क्यों मरा, रीजन, तो डेथ हुई तो कोरोना की वजह से हुई है ना, यही होना चाहिए था। उस डेथ सर्टिफिकेट पे या जो भी रिसिप्ट देते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ था कि कोरोना नेगेटिव थी आंटी, उनकी मम्मी, मतलब उनको कोरोना हुआ ही नहीं, तो फिर आपने उनको एडमिट क्यों किया, और फिर कोरोना के लिए तुमने दवाइयां क्यों मंगवाई, वैक्सीन क्यों मंगवाई। और उन्होंने फिर वहां पर वो हॉस्पिटल के सामने बैठ गए, बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ इस चीज पे। तो बड़ा दुख की बात है कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे लोग मर रहे हैं, लोगों को आपकी हेल्प की जरूरत है, वहां पे हम लोग फायदा उठा रहे हैं, वेरी बैड। तो बहुत दुख की बात है यार, लोग बहुत भरोसा करते हैं डॉक्टर पे, डरते भी हैं बट भरोसा भी करते हैं, क्योंकि आप उनकी जान बचा सकते हो। जब कोई बीमार होता है तो आपको लोग भगवान का दर्जा भी दे देते हैं कि प्लीज बचा लो, और अगर बचा लेते हो आप तो आपको भगवान मानने लगते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि लोगों की नजरों में भगवान बनना, राक्षस नहीं।